वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम तीन प्रीपोजिशंस को क्लियर करेंगे। तीन में तो पहला आपको दिख रहा है विद, दूसरा विद इन है और तीसरा डब्ल्यू से शुरू होने वाला विद आउट है। तो इन तीनों के मीनिंग देखेंगे, इन तीनों का मीनिंग के साथ ही यूज भी देखेंगे कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहला विद, विद की मीनिंग आप देख लीजिए के साथ है एक, दूसरी मीनिंग है के कारण, तीसरा है से, चौथा है के बावजूद, पांचवा है वाला वाली। जो से है से में तीन और तीन भाव छिपे रहते हैं, साधन का भाव, तो इसको साधन के भाव का एक सेंटेंस मिलेगा, विरोध के भाव का एक सेंटेंस मिलेगा, अलगाव के भाव का एक सेंटेंस मिलेगा और ऐसे ही के बावजूद वाला सिक्स नंबर का सेंटेंस भी होगा और फिर वाला वाले जो मीनिंग देगा वो सात नंबर सेंटेंस पे रहेगा। देखते हैं विद का मीनिंग तो देख लिया, सबका एक एक यूज के साथ। राम इज रनिंग विद शीला, राम शीला के साथ दौड़ रहा है, तो यहाँ पे के साथ आ रहा है। राम इज रनिंग विद शीला, राम शीला के साथ दौड़ रहा है, एक जैसा ही है। रीमा इज ट्रैवलिंग विद फियर, यहाँ पे रीमा इज ट्रैम्बलिंग, रीमा कांप रही है विद फियर, डर के कारण, रीमा डर के कारण कांप रही है। आप ध्यान रखेंगे कि ट्रैम्बल, ट्रैम्बल मतलब कांपना होता है और ट्रैम्बल के साथ हम विद प्रीपोजिशन लगाते हैं, ट्रैम्बल के साथ विद प्रीपोजिशन लगाते हैं, यहाँ पे लगा भी है। तो रीमा इज ट्रैम्बलिंग विद फियर, रीमा डर के कारण कांप रही है, यह दो नंबर के कारण का मीनिंग हो गया। अब होगा से मीनिंग, से में एक जगह साधन होगा, दूसरे विरोध होगा, फिर अलगाव होगा। देख लेते हैं, वी विन अ बैटल विद करेज, हम जीतते हैं अ बैटल, लड़ाई विद करेज, साहस से हम लड़ाई साहस से जीतते हैं। तो यहाँ पे साहस साधन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे साधन का बोल हो रहा है। दूसरा विरोध का से ही मीनिंग होगी, राम क्वारल्ड विद रामू, राम रामू से झगड़ा किया, तो यहाँ पे दोनों झगड़ा कर रहे हैं, विरोध का भाव है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वारल्ड विद, तो क्वारल के साथ भी, जिस तरह से ट्रेम्बल के साथ विद आता है तो क्वारल के साथ भी विद आता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। श्याम पार्टेड विद हिज फ्रेंड, श्याम पार्टेड विद मतलब अलग हो गया, विद हिज फ्रेंड अपने मित्र से, श्याम अपने मित्र से अलग हो गया। तो यहाँ पे जो से का मीनिंग आ रहा है, यह अलगाव का भाव दे रहा है, पांच नंबर को इंडिकेट कर रहा है, अलगाव हो रहा है यहाँ पे और मीनिंग से भी आ रही है। यहाँ भी ध्यान रखिए पार्टेड पार्ट के साथ विद होता है, यहाँ लिखा भी है इसे नीचे, पार्ट के साथ विद, पार्ट के साथ विद, क्वारल के साथ विद, ट्रेम्बलिंग के साथ विद, ट्रेम्बल चाहे ट्रेम्बलिंग। फिर है छह नंबर में के बावजूद आएगा इसका मीनिंग, विद ऑल हिज वेल्थ ही इज नॉट हैप्पी, अपने संपूर्ण संपत्ति, अपने संपूर्ण संपत्ति, ऑल हिज वेल्थ मतलब अपने संपूर्ण संपत्ति के बावजूद, विद के बावजूद, ही इज नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है, अपने संपूर्ण संपत्ति के बावजूद वह प्रसन्न नहीं है। फिर वाला वाली, रीमा इज अ गर्ल विद रेड हेयर, रीमा इज अ गर्ल, रीमा गर्ल है विद रेड हेयर, लाल बाल वाली, रीमा लाल बाल वाली एक गर्ल है, यहाँ पे वाली हो गया, साथ से मैच किया। तो इस तरह से आपने देखा विद के मीनिंग, के साथ, के कारण, से में तीन भाव, साधन का, विरोध का, अलगाव का, फिर मीनिंग में के बावजूद और वाला वाले, सबका सेंटेंस देखा। ध्यान रखेंगे ट्रैम्बल के साथ विद लगता है, क्वारल के साथ विद लगता है, पार्ट के साथ जब विद लगता है तो इसे कहते हैं अलग होना। और देखिए प्लीज्ड विद, यहाँ पे कुछ वर्ड्स डिमांड करते हैं विद को, प्लीज्ड विद मतलब प्रसन्न, प्रसन्न, पार्ट विद मतलब अलग होना, अलग
यहाँ पे प्रश्न होना बोर्ड बना दीजिए, कंपेयर विद मतलब से तुलना करना, कंप्लाई विद इसको कंप्लाई पढ़ते हैं का पालन करना, हम रूल्स का पालन करते हैं तो वी शुड कंप्लाई विद रूल्स, कोरेस्पोंड विद से पत्राचार करना, एग्री विद से सहमत होना, से सहमत होना। ध्यान रखिए आपको पहले बता चुका हूं टू में कि अग्री के साथ टू का और अग्री के साथ विद का प्रयोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन एरर्स में भी आता है और प्रीपोजिशन में तो आता ही है। अग्री के साथ टू का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई प्रपोजल होता है, और विद का के साथ विद का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी पर्सन से हम एग्री करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, विद कंप्लीट्स। नेक्स्ट कम्स विद इन, विद इन का जैसे मतलब आप समझ रहे हैं के अंदर और में, दो इसका अंदर मतलब है। जैसे सेंटेंस देखिए, देयर इज अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सिटी के लिए एस का प्रयोग करते हैं। देयर इज अ यूनिवर्सिटी विद इन 2 kilometers ऑफ माई होम, देयर इज यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है विद इन 2 kilometers, 2 kilometer के अंदर, के अंदर 2 kilometer के अंदर ऑफ माई होम, मेरे घर से, मेरे घर से 2 kilometer के अंदर एक यूनिवर्सिटी है। अब 2 kilometer के अंदर का मतलब क्या होगा, 2 kilometer भी नहीं डिस्टेंस है, 2 kilometer से कम है। हाँ, 2 kilometer के अंदर का मतलब यही होगा ना कि जो यूनिवर्सिटी है मेरे घर से 2 kilometer डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस पे स्थापित है। तो जब अंदर कहेंगे तो जो डिस्टेंस बोल रहा है उस डिस्टेंस से कम मानेंगे। आगे अब मे मीनिंग आएगा, मे में आंसर द क्वेश्चन विद इन 5 minutes, आंसर करो क्वेश्चन का 5 मिनट में, 5 मिनट में आंसर करो। जैसे होता है एग्जाम्स में कि आप पेपर्स को आंसर करने पड़ते हैं 2 hours में, 3 hours में, जितना भी आवर्स होता है, तो विद इन 2 hours, विद इन 3 hours कहा जाता है। तो विद इन का मतलब होता है उतना में, मतलब आपको 2 घंटा से पहले या 2 घंटा तक का टाइम मिलेगा, अगर 2 hours, विद इन 2 hours की बात हो रही है तो। लेकिन जैसे ही 2 घंटा कंप्लीट होगा आपसे सब कुछ जो उनको वापस चाहिए ले लेंगे। तो इस तरह से विद इन का के अंदर और में आपने सेंटेंसेस देखे हैं। फिर आज का जो लास्ट वन है दैट इज विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना, आप जानते हैं विद का उल्टा है, अपोजिट है विदाउट, विद होता है के साथ और ये होता है के बिना, तो उल्टा है, मीनिंग है के बिना। और आप बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस है, वन कैन नॉट रन विदाउट लेग्स, कोई पैरों के बिना नहीं दौड़ सकता है, कोई पैरों के बिना नहीं दौड़ सकता है। तो इस तरह से हमने 3 prepositions विद, विद इन, विदाउट को कंप्लीट कर लिया है। और हमने इस तरह से इस वीडियो लेक्चर को लेते हुए जितने पहले किए हैं उसके तहत 33 प्रीपोजिशंस को कंप्लीट किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। इनकी संख्या, प्रीपोजिशंस की संख्या 100 से भी अधिक है, लेकिन हमने उसी को लिया है जिसकी जरूरत हम फ्रीक्वेंटली करते हैं, कुछ छूट गए हैं। तो आगे जो इस प्रीपोजिशन सेगमेंट में आगे हम पढ़ेंगे कंफ्यूज प्रीपोजिशंस, तो कंफ्यूज प्रीपोजिशंस में जो छूट, उसमें से कुछ जो छूट गए हैं उसको पढ़ लेंगे, और जो और बचे भी रहेंगे तो आगे जब भी हम पढ़ते रहेंगे तो वहां पे मेंशन करते बताते रहूंगा कि ये प्रीपोजिशन है इस और ऐसा ऐसा है, जो भी उस मुझे जानकारी रहेगी उस प्रीपोजिशन के बारे में आपको बताया जाते रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।